नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। और बहुत सारे मित्रों का मेरे पास प्रश्न आते रहते हैं और उन्होंने कहा था कि सर, क्या हम जन्म कुंडली के आधार पर ये पता कर सकते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में करना चाहिए और जिससे कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली में ही छुपा है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के स्टार्स अलग होने की वजह से हर व्यक्ति के लिए प्रोफेशन अलग होता है और स्टॉक मार्केट भी एक अपने आप में प्रोफेशन है। तो कौन से प्लैनेट, कौन से घर, कौन से नक्षत्र स्टॉक मार्केट के लिए सक्सेसफुल कराने में मदद करते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो अपनी जन्म कुंडली को किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से अवश्य दिखा लीजिए, क्योंकि यदि आपके भाग्य में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट, यदि आपको लगता है कि ट्रेंड में जो भी चल रहा है और लोग पैसा कमा रहे हैं, आप भी उसमें पैसा कमा सकते हैं, इस आधार पर यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो आज बात कर लेते हैं, चलिए, कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से प्लैनेट्स, कौन से घर होते हैं आपको इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल कराने के लिए। स्टॉक मार्केट के लिए फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, टेंथ हाउस और इलेवंथ हाउस, यदि ये हाउसेस, इसमें शनि, राहु, मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन होगा, ये प्लेनेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दोबारा उस बात को रिपीट करूंगा, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और इलेवंथ हाउस, स्पेशली यहाँ पर जो फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस का जो कॉम्बिनेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये जो दोनों हाउस है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब जो मैंने प्लैनेट्स की बात की, उसमें राहु, शनि, केतु, ये जो प्लैनेट हैं, स्पेशली इसमें राहु और शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि यहाँ पर ये शुभ फल दे रहे हैं या ये यहाँ पर ये शुभ है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में लाभ अवश्य देंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि जो मैं हमेशा से बोलते हुए हूँ, सबसे पहले देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ होगा या नहीं होगा। यदि आपके ये प्लैनेट है तो आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरी बात यह आती है कि आपको कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं और आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे रियल एस्टेट में पैसा लगाया, वहाँ पर तो आपने काफ़ी अर्न किया, लेकिन जैसे ही आपने उसी पीरियड में यदि आईटी सेक्टर में पैसा लगाया तो आप देखेंगे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जबकि बाकी लोगों ने वहाँ पर पैसा काफ़ी कमाया है। दूसरी बात यह आती है कि आपको वो प्लैनेट्स देख लेना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना चाहिए कि अभी आपके ग्रह नक्षत्र क्या चल रहे हैं। यदि दशा के आधार पर और गोचर के आधार पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। तो ये जो सूत्र मैंने आपको बताया है, इसको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली पर देख लीजिए। आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से सेक्टर में आपको करना चाहिए, आप मुझे अपनी जन्म कुंडली भेजें, बर्थ डिटेल आप मुझे भेज दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप मुझे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको लाभ होगा या नहीं होगा, आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब करना चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार की मैंने और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे जितना भी है वो मिलता रहे। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलते रहा हूँ कि जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं उनके समाधान के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। यदि आपके मन के अंदर भी कोई लगता है कि वो शंका है या आपको लगता है कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे उसको लिखकर भेज दीजिए, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊँगा। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप मेरे वीडियो को अन्य मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें, जिससे उनके जीवन के अंदर भी खुशियाँ आ सके और वो भी जीवन को खुशहाली ढंग से जी सके। आज के लिए केवल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।